अस्सलामुअलैकुम, मैं हूँ अहमद मुस्तफा मलिक और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। सबसे पहले तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर लें, फिर शुरू करते हैं आज की मज़ेदार वीडियो। अभी हमें कॉलेज से छुट्टी हो चुकी है, मेरे बाकी दोस्त बाहर खेलने चले गए, लेकिन मुझे ख्याल से मैसेज आया पड़ा था जब मैंने अभी कॉलेज के बाद क्लास शुरू की है, तो मैं उधर नहीं चलता, देर हो जाएगी। तो वो कहते हैं कि फ़ौरन से खा रहा हो, कोई काम है घर पर गेस्ट आने वाले। मैंने कहा चलो आ रहा हूँ, बस मैं यहीं से कॉलेज से अपनी बाइक निकालता हूँ, फिर चलते हैं घर, क्योंकि नहीं तो खेलने का मेरा मूड भी था, लेकिन आज बस वही एमरजेंसी के बाइक खेलना नहीं पड़ेगा। हमने कहा चलो बाइक के करीब पहुँचता हूँ। ये आप देख सकते होंगे, ये मामून की बाइक है, ब्राइडर, ये मेरी है। बस आपके भाई की आपको पता है फिर चलती है कॉलेज में, और बाइक भी मेरी अंदर खड़ी होती है। ऐसे नई बाइक है ना, हमने फिर प्रिंसिपल साहब से परमिशन ली हुई है कि हम अपनी बाइक कॉलेज के अंदर ही खड़ी किया करेंगे, बाहर पार्किंग में फिर आपको पता है खड़ी करने में ज़रा वो डर लगता है। भाई एक आदमी ने बाइक गर्म करते हैं जब तक ये थोड़ी सी गर्म हो जाए, फिर चलते हैं यहाँ से घर। फिर उसके बाद असल में काम है, और सर उस्मान ने मुझे कहा था कि ये सर उस्मान की बाइक है, यही जो मेरे वाला मॉडल है यही है। सर ने कहा था कि मैं अभी थोड़ी देर में आऊँगा, एक मेरे दोस्त गया शोरूम, तो वहाँ से सर ने बाइक की ट्यूनिंग शूनिंग करानी है, वो वहाँ से बाइक की ट्यूनिंग कराएंगे, तो मैं भी उनके साथ जाऊँगा। अब मैं घर जाके खाना वगैरह खा लेता हूँ, जब तक फिर सर आएँगे तो फिर हम बाइक की ट्यूनिंग कराने में सर के साथ चला जाऊँगा। आपको पता है फिर उस्तादों के साथ वैसे घूमने में मज़ा आता है, तो मैंने कहा ठीक है सर आप आ जाएँ, फिर इकट्ठे चलते हैं। बस यहाँ से मैं निकलता हूँ घर के लिए, फिर इंशाल्लाह मिलते हैं। मैं अपने चौंक वाले तंदूर पे पहुंच चुका हूँ, यहाँ आपसे तंदूर वालों को मिलवाता हूँ। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है जी? ये जनाब राशिद भाई हैं, वो हमारे उस्ताद जी हैं। यहाँ पे वैसे लाला शबीर है ना उन्होंने ना, लाला शबीर होते हैं, वो अपने घर गए हुए जलालपुर छुट्टी पे, ये फिर आज इन्होंने ये चार्ज संभाला हुआ है। मैं उस टाइम रोटियाँ लेके घर आया हूँ, घर आके अभी खाना खा ही रहा था कि सर की कॉल आ गया कि मैं वहाँ पे चौक पे पहुँच रहा हूँ, 5 मिनट में आप भी वहाँ पे पहुँच जाओ। मैंने इसलिए यूनिफॉर्म ही चेंज नहीं की, बस यहाँ से चलते हैं, फिर हमने जाना है उधर मोहम्मद कारपोरेशन हुंडा सेंटर, वहाँ सर ने वही बाइक का काम कराना है जैसे मैंने आपको पहले बताया। मैंने कहा चलो, फिर ये नौ के सारे इंतजार में खड़े रहे, मैं यहाँ से चलता हूँ, फिर वापसी आके कपड़े वगैरह चेंज, यूनिफॉर्म चेंज बाद में, फ्रेश बाद में होंगे। ओके, फिर पहले मैंने सारों को कहा, मैंने कहा सर आपकी बाइक हुई हुई इतनी मैली, पहले हम सर्विस करा लेते हैं। अब हम आए खड़े हैं पी एस वाले पंप पे, यहाँ ईदगाह के करीब ही है, यहाँ से हम बाइक की सर्विस कराते हैं। क्या हाल है सर? मैं ठीक। ऊँचा तो वाले बोले सर, हाँ ऊँचा बोलो। हाँ ऊँचा बोलो, बाइक ले लेना अच्छी वाला। बाइक लिया मैंने, वो अब घर से फिर हाथ टाइम कौन उठाए लगाए, हर टाइम है ना पक्का ब्लॉगर में। अब सर की बाइक धुल रही है, वो मैं आपको दिखाता हूँ, फिर चलते हैं ट्यूनिंग करा। ये जी सर उस्मान की बाइक सर्विस हो गई है, अब हम यहाँ से चलते हैं। ये सामने मेरी बाइक है, बाइक के ऊपर सर उस्मान के बैग और सर उस्मान का हेलमेट रखा है, ये सर की बाइक। आप ये सोचेंगे कि सर उस्मान का बैग कहाँ से आया, सर उस्मान का बैग ये जैसे कॉलेज में सर अपने वो ऐसे ज़रा पेपर शेपर बच्चों के होते हैं, या ये वो सामान सामान जैसे चार्जर वगैरह मोबाइल का हो गया, या जैसे और पाउच हो गया कॉलेज में पढ़ाने के लिए, ये सामान होता है सर के पाउच में, सर के बैग में। सर का बैग अगर मैं उठाता हूँ, चलते हैं फिर शोरूम में पहुँच चुके हैं। हाँ जी सर, कहाँ हैं? हम आए हुए हैं होंडा के शोरूम के ऊपर, बाइक बताने ऊपर नहीं नीचे आता है ना, यहाँ शोरूम नीचे है और बाइक ऊपर है, बाइक दिखाना। नहीं नहीं, वर्कशॉप नीचे है, शोरूम ऊपर है, शोरूम ऊपर है, हम बेसमेंट पर खड़े हैं, हम नीचे हैं, पता नहीं हम नीचे क्यों हैं। सर की बाइक को तकरीबन सर साल होने वाला है, 9-10 महीने, 10 महीने हो गए, और आज पहली दफ़ा सारी इसकी ट्यूनिंग करा रहे हैं। मसला ये नहीं है कि सर के पास पैसे नहीं होते, सर पैसे लैंड रोड है, लेकिन टाइम नहीं होता ना चावन साहब के पास, या तो फिर बाइक खुल रही है, बन रहा है, ट्यूनिंग होती है फिर मेरी बाइक। तो अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आपने उस टाइम देखा था हम सर उस्मान की बाइक बनवा रहे थे, सर उस्मान की बाइक बना के मैं तकरीबन पहुँचा हूँ घर 4 बजे, फिर जल्दी से असर की नमाज़ पढ़ने चला गया, असर की नमाज़ पढ़ के फिर घर आके कपड़े वगैरह चेंज किए, आपने उस टाइम देखा था यूनिफॉर्म में थे, फ्रेश वगैरह होकर थोड़ी देर रेस्ट किया है। अब फिर मगरिब का टाइम है, मगरिब की नमाज़ पढ़ने चला गया था मैं, अब फिर मगरिब के बाद आके मैंने घर से माइक उठाया अपना, मैंने कहा उस टाइम भी सर के साथ भी आपको आवाज़ सही नहीं आई होगी, अब माइक भी लगा लेते हैं। मैंने मोबाइल भी स्टैंड में पकड़ा हुआ था कि फिर ओके करके वीडियो आए, व्यूअर्स देखते थे वीडियो तो फिर अच्छी तो हो, तो बस फिर अभी नमाज़ पढ़ के आया हूँ। तो व्यूअर्स मेरा अभी दिल कर रहा है गाने सुनने का, लेकिन मसला ये है कि मुझे गाने लगते हैं अच्छे गाड़ी में, मतलब गाड़ी बंदा चला रहा हो आस्ता आस्ता और साथ गाने, वो अच्छा लगता है। अब यही है शौक़ पूरा करने के लिए गाड़ी निकालनी पड़ेगी, अब मैं गाड़ी निकालता हूँ, और अभी या 5-10 मिनट के बाद या अभी चल के गाड़ी निकालता हूँ, और फिर भाई थोड़ा बहुत चक्कर चक्कर लगा लेते हैं, यहाँ खेल लेते हैं, गाने भी 2-3 सुन लेते हैं, आपको भी सुनाते हैं फिर गाने।
ठीक है चलें फिर, चलो चलते हैं फिर। ओके हाँ जी, तो दोस्तों बस फिर मूड हो गया गाना सुनने का, तो मैंने कहा ठीक है गाड़ी निकालते हैं। गाड़ी में ही उस टाइम तक, अब जब उस टाइम मैं आपसे आया था, मतलब मैंने आपको बताया था मतलब मगरिब की मैं नमाज पढ़ के आया हुआ था, और अब टाइम है तकरीबन मतलब मगरिब को आधा घंटा हो गया। मैंने ऊपर घर में थोड़ा फिर खाना छाना खाया है, खाना छाना खा के हमने कहा चलो बाहर चलते हैं, गाड़ी निकालते हैं, गाना छाना सुनते हैं, यारों को बुलाते हैं, और फिर चक्कर चक्कर लगा के फिर गाड़ी खड़ी कर देंगे। ठीक है फिर दोस्तों को बुलाता हूँ, मिलवाता हूँ आपको भी। यहाँ तो खैर वही वाले, लेकिन चलो मैं अभी गाड़ी निकाल लूँ, फिर मिलते हैं वहाँ पे जाके। अभी गाने छाने लगा लें पहले ज़रा। मैं जी आया हूँ उधर से घर से, गाना तो अभी खैर सुनना है अब्दुल्ला को लिए इसके घर से। अब्दुल्ला साहब ज़रा इधर देखें, हाफिज़ साहब देख ले। कल भी तेरी मैंने वो करी है, वो लड़के कहते हैं आवाम कमेंट में वो कर दिया। ओ हमारा एक छोटा फ़ैन आ गया, बैठ जाए सर आप पीछे, आपकी भी वीडियो बनाते हैं। ये गाइस मेरा कल दोस्तों कल वाला वो फ़ैन है जो कल मैंने इसकी वीडियो बनाई थी पीछे। अस्सलाम वालेकुम तो कह दे। अस्सलाम वालेकुम। बोल तो सही, ऊंचा तो बोल। आ जा बगा। अस्सलाम वालेकुम। और सलाम दुआ कर, हाल बाल पूछ व्यूअर से। हेलो गाइस। भाई हेलो, आप कैसे हो? ठीक है। अहमद को लाइक और फॉलो करो। सब्सक्राइब होता है भाई। सब्सक्राइब भी करो। आपने दरवाजा ही बंद नहीं किया पीछे। ताहा को बुलाए हो? हम अहमद ताहा को बुलाने हुए। ये फिर हमारा मुलाजिम जाएगा ताहा को बुलाए। दोस्तों अब मैं पहुंच चुका हूं घर, दोस्तों से होके मेरा वो दूसरा दोस्त बबलू भी आ गया था, फिर कैफ भी था, हम काफ़ी देर वहाँ खड़े रहे हैं। अब तकरीबन 8:30 का टाइम है, घर चलता हूँ, वीडियो भी अपलोडिंग भी लगाते हैं, अब कॉलेज का काम भी करना है वो भी करते हैं, खाना छाना भी खाते हैं। मिलते हैं इंशाल्लाह आपसे कल की वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, बाय। और हाँ चैनल को सब्सक्राइब कर देना प्लीज़, थैंक यू।